हेलो दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप कोई कॉस्मेटिक का शॉप डालना चाह रहे हैं तो अभी सही समय है, आप डाल सकते हैं। यह समय है कि ग्रो करेंगे, धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे आपकी शॉप। दोस्तों, मार्केट में अभी बहुत कंपटीशन हो गया है, तो कंपटीशन को देखते अनुसार आप अपने शॉप की प्राइस लिस्ट तय करें, मतलब अपने शॉप में जो भी सामान है उसकी प्राइस उस कंपटीशन को देखते अनुसार करिए। अगर आपके आजू बाजू या आपके चारों ओर जो भी दुकान है उसका सर्वे करिए, देखिए उन कॉस्मेटिक शॉप पे उनके प्रोडक्ट के क्या प्राइस है। जैसे जो MRP वाले हैं, जो कॉस्मेटिक के MRP वाले हैं, वो तो MRP पे ही बिकते हैं, उसमें तो कोई कम नहीं होता है। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट विदाउट MRP है, जिसे चूड़ी हो गया, कंगन हो गया, या फिर नाक का हो गया, कान का हो गया, झुमका हो गया, बाली हो गया, इस पर MRP नहीं होता है, यह अपने हम खुद ही उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा कि कौन सा दुकानदार किस रेंज में बेच रहा है आपके एरिया में, उसके अनुसार आपको प्राइस लिस्ट तय करना पड़ेगा। क्योंकि जो फास्ट बिकने वाला प्रोडक्ट है उसमें आपको कम से कम मार्जिन रखनी पड़ेगी। तो जो कम रेयर बिकता है उस पर आप मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बिकता है वह उसे का प्राइस सबको मालूम रहेगा। इसलिए आपको पहले सर्वे करना पड़ेगा, अपने एरिया का कम से कम सर्वे कर लेना पड़ेगा कि कौन से दुकानदार किस रेंज में बेच रहा है, तब आप प्राइस लिस्ट अपने प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट तय करने में 100% श्योर हो जाएंगे। मतलब कि मिनिमम प्रोडक्ट का जो प्राइस है वह रखेंगे, ताकि कस्टमर आपके दुकान पे अट्रैक्ट होते आ जाए। एक बार आए तो बार बार आएंगे आपके दुकान पे। तो दोस्तों, जितना हो सके अपने प्रोडक्ट का जो मार्जिन है वह कम रखिए। जितना कम मार्जिन रखेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनेंगे, और वह कस्टमर आपके लिए प्रॉफिटदायक होंगे। क्योंकि साल में अगर वह 10 बार भी विजिट करते हैं तो आपके लिए 5,000-10,000 या हो सकता है कि 40,000-50,000 का वह प्रॉफिट दे दे। तो दोस्तों, प्रोडक्ट जैसे झुमके हो गए, और ज़्यादा जो फास्ट बिकता है, जैसे मेहंदी कोन हो गया, या फिर नाक का हो गया, कान का हो गया, ये सब जो छोटे छोटे आइटम हैं उस बहुत जल्दी बिकता है, लोगों को प्राइस पता रहता है। इसलिए 5 रुपये 10 रुपये ये इस रेंज में ही निकालिए, और तब जाके आपका जो बिजनेस है, कॉस्मेटिक शॉप है, धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। अब ग्रो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, और उससे पीछे आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप सही ढंग से अगर करेंगे कॉस्मेटिक की बिजनेस, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।